नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार। मॉर्निंग हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अभी की खबरों पर। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की काली सूची में जाने से पाकिस्तान बच गया है। FATF ने उसे ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। खबर के मुताबिक मलेशिया और तुर्की ने इस दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया है। चीन के राजदूत विदोंग ने कहा कि चीन और भारत कोरोना वायरस की महामारी को लेकर आपस में करीबी संवाद बनाए हुए हैं। ये बात उन्होंने तब कही जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक पत्र भेजा था, जिसमें कोरोना वायरस के कारण हुई जनहानि पर शोक और इस महामारी से निपटने के लिए चीनी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने चीन के साथ खड़े रहने में जो तत्परता दिखाई है, वो हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भारतीय मित्रों की इस दयालुता में मेरे हृदय को गहराई तक छू लिया। इस सब ने मुझे उस समय एक बार की याद दिला दी जब डॉक्टर कोटनेस ने चीन में कई लोगों की जान बचाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था। बरसों पुराने गठबंधन को तोड़कर कांग्रेस और NCP के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए शिवसेना ने कहा कि बार बार एक ही बयान देने से बात नहीं बन सकती। अपने मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में शिवसेना ने नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाए। संपादकीय में कहा गया कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को अनुच्छेद 370 और CA का राजनीतिक फायदा उठाने की जगह काम पर फोकस करना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच माकपा नेता वृंदा करात ने इस कानून को भेदभाव और बांटने वाला करार दिया है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने पूछा कि CAA में रोहिंग्या और अहमदिया मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि धार्मिक आधार पर उनका भी उत्पीड़न हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भारत दौरे के दौरान 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचेंगे। ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। अमेरिकी वायुसेना का मालवाहक विमान हरकुलस रविवार सुबह अहमदाबाद पहुंचा। इस विमान से ट्रंप की सुरक्षा में शामिल गाड़ियां, स्नाइपर, स्टाई कैमरे और फायर सेफ्टी सिस्टम लाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से ट्रंप का विशेष सुरक्षा दस्ता भी अहमदाबाद पहुंचा है। हाईटेक सुरक्षा उपकरण भी साथ लाए गए हैं। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने बच्चन परिवार और अमिताभ बच्चन से माफी मांगी है। उनका कहना है कि जिंदगी के इस मोड़ पर जब मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूं, तब मुझे अपने बयान को लेकर पछतावा है। वीडियो जारी करते हुए सिंह ने कहा कि इतनी तलखी के बावजूद यदि अमिताभ बच्चन उन्हें जन्मदिन पर और उनके पिता की पुण्यतिथि पर मैसेज करते हैं, मुझे अपने बयान पर खेद प्रकट कर देना चाहिए। BCCI ने मंगलवार को IPL 2020 के पूरे कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। 29 मार्च से शुरू होने वाले IPL के 13वें सीजन का फाइनल 24 मई को खेला जाएगा। शनिवार और रविवार को होने वाले दो मुकाबलों की संख्या घटा दी गई है। पिछली बार कुल संख्या 12 डबल डेकर्स मुकाबले खेले गए थे, इस बार सबसे कम 6 डबल डेकर्स होंगे, जिसकी वजह से टूर्नामेंट 57 दिन तक खिंच गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सेनाओं के पुनर्गठन का काम कर रहे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं में व्यापक बदलाव और ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए जनरल बिपिन रावत ने बताया कि जल, थल और वायुसेना को मिलाकर 5 संयुक्त कमान थिएटर कमान गठित होंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में कमांड का गठन होगा। इसके अलावा समुद्र सुरक्षा, चीन, साइबर और नभ्य खतरों से निपटने के लिए भी अलग संयुक्त कमान बनाए जा रही है। तो ये थी अभी तक की खबरें। आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।